हाँ, कल अपन पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हार्ट के बारे में आगे कंटिन्यू हम करने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर मैंने तुम्हें बताया था। इस प्रकार से ह्यूमन का हार्ट मैंने बताया कि 4 चैम्बर का होता है। एक बात याद रखना, जो लेबलिंग हम कर देते हैं वो लेबलिंग दोबारा नहीं करेंगे, उसके नई लेबलिंग हम करेंगे। इस प्रकार से हार्ट 4 चैम्बर का था, इस प्रकार से पिछली क्लास में सारी लेबलिंग किए थे। इसे क्या कहते हैं, राइट आर्कल कहते हैं, आर्कल को ही क्या कहते हैं, एट्रियम। ये राइट आर्कल कहलाता है, और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्कल कहते हैं। तो ये लेफ्ट आर्कल, ये लेफ्ट आर्कल कहलाता है। दूसरी बात देखा जाए, इसको क्या कहते हैं, राइट आर्कल, राइट आर्कल कहते हैं, ये राइट वेंट्रिकल कहते हैं, ये राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहलाता है। दूसरी बात मैंने बताया है कि राइट आर्कल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं। जो 3 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और तुमको मैंने ये भी बताया कि लेफ्ट आर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, मेट्रल वाल्व कहते हैं, ये मेट्रल वाल्व कहलाते हैं। तो चाहे बाइकस्पिड वाल्व कहें चाहे मेट्रल वाल्व कहें, दोनों बातें एक हैं। आगे बात देखा जाए, जो राइट आर्कल होता है बॉडी के डिफरेंट पार्टों से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, अशुद्ध ब्लड को रिसीव करता है 2 वेना केवा के द्वारा। इस वेना केवा को क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा, और इसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सुपीरियर, ये सुपीरियर वेना केवा, केवा कहलाती है, और इसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। तो यह है इन्फीरियर वेना केवा। तो ये 2 वेना केवा है, वेन है, जिनके द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्टों से इम्प्योर ब्लड को लाया जाता है, मतलब CO2 वाला ब्लड होता है। और देखा जाए क्या होता है, ये वाला जो चैम्बर होता है, ये वाला चैम्बर लंग से प्योर ब्लड को रिसीव करता है। लंग से प्योर ब्लड को किसके द्वारा रिसीव करता है, वेन के द्वारा रिसीव करता है, और 2 वेन होती है, इन वेन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, ये पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन कहलाती है। तुम्हें याद रखना है, बॉडी के अंदर जितनी भी वेन होती हैं सब में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। इसका मतलब राइट आर्कल के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड फील्ड है, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट आर्कल के अंदर प्योर ब्लड फील्ड है। उसके बाद में जब ये चैम्बर कॉन्टैक्ट होता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं, ये वाल्व खुल जाते हैं, तो इसका इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, इस चैम्बर में आ जाता है, मतलब राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो इसमें भी कैसा है, CO2 वाला ब्लड। और जब ये वाला चैम्बर कॉन्टैक्ट होता है तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, और इसका प्योर ब्लड कहाँ जाता है, इस चैम्बर में। तो आप देख रहे हैं राइट आर्कल और राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड भरा होता है, लेकिन लेफ्ट आर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड भरा होता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, इस चैम्बर से एक एवोल्टा निकलती है, इस चैम्बर से जो एवोल्टा निकलती है
ये हार्ट के बाहर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है और ये कहाँ को जाती है, लंग को जाती है। ये जो एवोर्टा है, इस एवोर्टा को क्या कहते हैं, पल्मोनरी एवोर्टा कहते हैं। ये पल्मोनरी एवोर्टा कहलाती है, ये पल्मोनरी एवोर्टा एवोर्टा कहलाती है और ये हार्ट के बाहर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है, आर्टरी। अब जब ये चैम्बर का और यहाँ पर एक वाल पाए जाते हैं, यहाँ पर देखा जाए जो वाल पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, ट्राइसेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो इन वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइसेमिलुनर वाल्व। ये ट्राइसेमिलुनर वाल्व कहते हैं, ये ट्राइसेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो जब ये चैम्बर कॉन्टैक्ट होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे तो इस चैम्बर का ब्लड वापस इसमें नहीं आ पाएगा। अब ये वाले वाल्व खुलते हैं, जब ये वाले वाल्व खुलते हैं तो इसका इम्प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ, इसका जो इम्प्योर ब्लड है, इस कलर से हम दिखा रहे हैं, इम्प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ जा रहा है, लंग में जा रहा है। बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। और लंग में जाकर के सरफेस पर, वहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। मतलब इस पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड से CO2 लंग में चली जाएगी और लंग से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। मतलब इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड बहता है। जब ये चैम्बर कॉन्टैक्ट होता है तो ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, और जब बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे तो इसका प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब तुम्हें याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक एवोर्टा निकलती है, इस एवोर्टा को क्या कहते हैं, सिस्टमिक एवोर्टा कहते हैं। और ये सिस्टमिक एवोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद बहुत सारी पतली पतली ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है और ये जो ब्रांचें होती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्टों को जाती हैं। दूसरी बात देखा जाए, इस एवोर्टा को क्या कहते हैं, सिस्टमिक एवोर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमिक एवोर्टा कहते हैं। यह सिस्टमिक एवोर्टा कहलाती है, एवोर्टा कहलाती है। और इसके बेस में भी यहाँ पर एक वाल पाए जाते हैं, इसके बेस में जो वाल पाए जाते हैं इन वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइसेमिलुनर वाल्व कहते हैं। जब ये चैम्बर कॉन्टैक्ट होता है तो ये बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। जब बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे तो इसका ब्लड वापस इसमें नहीं जा पाएगा। तब क्या होता है, ये ट्राइसेमिलुनर वाल्व खुल जाएंगे और इसका जो प्योर ब्लड होता है सिस्टमिक एवोर्टा से हो करके बॉडी के डिफरेंट पार्टों को पंप किया जाएगा। इस प्रकार से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्टों को पंप कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से एवोर्टा के बारे में मैंने बताया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है अपना प्योर ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्टों को पंप करता है, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, जब ये दोनों चैम्बर कॉन्टैक्ट होते हैं तो इसका तब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, तो इन आर्टिकल का ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं दोनों तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो एक आवाज़ पैदा होती है,
उस आवाज को क्या कहते हैं, लब कहते हैं। क्या कहते हैं? लब साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लब साउंड कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल बंद होते हैं, और जब ये वाल बंद होते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे लब साउंड कहते हैं। लेकिन जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ये वाल्व खुल जाते हैं, लेकिन ये ट्राई सेमिलूनर वाल्व बंद हो जाते हैं। तो जब ट्राई सेमिलूनर वाल्व बंद होते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं, डब साउंड कहते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे लब साउंड कहते हैं, और जब पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में जो ट्राई सेमिलूनर वाल पाए गए हैं ये जब बंद होते हैं तब जब आवाज़ पैदा होती है तब उसे डब साउंड कहते हैं। लब और डब साउंड को डॉक्टर किसके द्वारा हेयर्ड करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा हेयर्ड करते हैं। जैसे तुमने देखा है डॉक्टर यहाँ पर आला लगाते हैं, तो यही साउंड को ही वो सुनते हैं कि साउंड प्रॉपर आ रही है या साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है। तो लब फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है, लब होती है, और सेकंड हार्ट साउंड कौन सी होती है, डब होती है, और इन लब और डब साउंड को स्टेथोस्कोप के द्वारा हेयर्ड किया जाता है। तो ये सारी बातें तुम्हारी हैं हार्ट के अंदर, और हार्ट मैंने बताया था कल कि चारों तरफ से पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कह रहे थे, पेरिकार्डियल कैविटी कह रहे थे, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और कल तुमको मैंने बताया था पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो हार्ट को नम बनाए रखता है, फ्रिक्शन से बचाता है, जर्क से बचाता है, ये सारे काम करता है, और अपन लोगों का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो भरा होता है, लेकिन लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड भरा होता है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो फिगर भी बनाना होगा और एक्सप्लेन भी करना होगा। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं वो कायदे से आप सुनिए और समझिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट करिए, हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे, समझ में आना चाहिए। आप संकोच मत करना, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और निश्चित रूप से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे वो भी आगे इम्प्रूव हो। बेस्ट ऑफ लक, आज इतना, फिर उसके बाद अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे।